वेलकम टू माय ब्लॉग मॉम का अंश। मैं रिया आ गई हूँ आप सबके साथ विद ए होम टूर वीडियो। और ये मेरा धनबाद का घर है। यहाँ मैं ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड 8 से लेके ग्रेजुएशन तक मैं यहीं रही हूँ। देन मैं पढ़ाई के लिए निकल गई थी एंड देन जॉब एंड देन शादी। बट इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली मैं इसका होम टूर आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाऊंगी मेरा घर। तो लावण्य विला जो है, ये नाम पापा ने इसे यहाँ पे ऐसे रखा है। ये विला पापा के मम्मी के नाम यानी मेरी दादी के नाम से है। मेरी दादी का नाम था लावण्य, तो पापा ने वो नाम रखा है लावण्य विला। तो आइए अब मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ। ये रहा, बंगाली में लिखा हुआ है खेला घर यानी कि खेलने का घर। तो हम जो जीते हैं डेली लाइफ रूटीन जीते हैं रहते हैं, तो वो खेलने का ही, जैसे शेक्सपियर ने बता के गया था कि हम स्टेज में एक्ट करने आए हैं। लाइकवाइज ये मेरे एक दादाजी थे, मेरे पापा के चाचा, उन्होंने बोला था लाइफ इज ऑल अबाउट ए गेम। हम खेलने आए हैं, हम प्लेयर्स हैं, कुछ दिन खेलेंगे और फिर हम सब टाइम टू टाइम चले जाएंगे। तो ये बंगाली में लिखा हुआ है खेला घर, इसका बहुत डेप्थ मीनिंग है। तो पापा ने कोई भी चीज में मिस आउट नहीं किया है। चलती हूँ मेरे गार्डन की तरफ। हाँ जी, तो ये पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था बिकॉज मम्मी पापा इसको बहुत अच्छा से मेंटेन करते थे। अभी मेंटेनेंस उतना है नहीं बिकॉज मम्मी पापा आउट ऑफ द टाउन ही रहते हैं मोस्टली। तो उतना ज्यादा फ्लावर्स लगाना एंड पानी देना मेंटेन करना वो नहीं पाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसी का झाड़ है, रेड तुलसी है, नॉर्मल तुलसी है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। कहा जाता है जहाँ तुलसी का झाड़ होता है वहाँ कभी कुछ बुराई नहीं आती है। तो ये साइड पूरा तुलसी का झाड़ बना हुआ है वृंदावन जैसा। और ये हमारा तुलसी मंच। ये एरिया था जहाँ पे हम खेला करते थे बचपन में। और ये मिट्टी का था पहले, फिर बाद में इसको सीमेंटिंग किया गया, सीमेंट से बनाया गया मेरे शादी के वक्त। और फिर हमारा एंट्रेंस फ्रंट से है एंड बैक से है। बाकी ये पूरा गार्डन है। और इधर एक क्यूट सा कैट आया है जो मुझे टच करने देता है। और मतलब बच्चों, ये क्यूट सा कैट है जो मेरा फ्रेंड बन चुका है लास्ट कुछ दिनों से। जब भी मैं रियांश को खिलाती हूँ ये आ जाती है और रियांश के साथ ही खाना शेयर करती है। तो ये मेरी फ्रेंड बन चुकी है, आई मीन रियांश की फ्रेंड बन चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं, 5-6 तो आम के पेड़ हैं, 3-4 जामुन के पेड़ हैं, गुआवा है, कटहल का पेड़ है, बहुत सारा शेगुन का पेड़ था बट अभी वो वैसा है नहीं बिकॉज उसको ट्रिम करना पड़ता है टाइम टू टाइम। काफ़ी ज़्यादा शेड हो चुका था यहाँ पे और मैंगो ट्री में बहुत नीचे नीचे आम हुआ करता था। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जब भी हम यहाँ आते हैं। और यहीं से मैं आपको घर का एक व्यू देती हूँ। और ये मैं घर का व्यू दिखा रही हूँ पीछे साइड से। हमारा 2-स्टोरेड बिल्डिंग है जैसा कि आप सबको दिख रहा है। ये कम्प्लीटली पापा के प्लानिंग के ऊपर है बिकॉज पापा सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरा बनाया है। हमारा एंट्रेंस है घर में घुसने का और ये कम्प्लीटली मेरे पापा के प्लानिंग के ऊपर हुआ है। पापा ने ही सब कुछ डिसाइड किया था, सब वैसा ही हुआ था। बाय द वे मैं आपको दिखाना और बोलना भूल गई, दिखाने का तो कुछ है नहीं अभी। इसके नीचे जस्ट एक पापा ने डॉग हाउस, मुझे एनिमल से हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार है तो पापा ने, मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं कि डॉग या कैट घर के अंदर घुसे, तो पापा ने एक छोटा सा घर बना के रखा था जस्ट इसके नीचे ताकि कोई भी एनिमल्स में अगर पालूं तो वो उसमें रहेगा। तो मैंने बहुत सारा डक पाला था और उनका प्रोडक्शन लेवल इतना हाई था मैं क्या बताऊं, पूरे साल में वो 3 अंडा देता था, इतना स्ट्रांग प्रोडक्शन लेवल था उसका। डिंग डिंग। और ये रहा मेरा स्ट्रीट स्मार्ट। मैं इसको कैसे मिस कर सकती हूँ। ये मैं जब स्टैंडर्ड 12 में थी तब मैंने लिया था, पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं तब लेने के हैसियत में नहीं थी ऑब्वियसली, पापा ने मुझे गिफ्ट किया था बिकॉज मैं पापा के हीरो होंडा से चलाना सीखी थी। तो ये मेरा स्ट्रीट स्मार्ट जो कि अभी भी
बहुत फेवरेट है एंड एक स्टार्ट में एक किक में स्टार्ट हो जाता है और ये ओनली गियर वाला स्कूटी है अभी तक का। और ये रहा हमारा ड्राइंग रूम, आप सब हमारे घर में पधारे, काफी स्पेस है बैठने के लिए। तो जैसा हमारा ड्राइंग रूम पहले हुआ करता था अभी भी वैसा ही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेसियस, जो हमें आजकल मिलने को नहीं, देखने को नहीं मिलता है। और ये रहा हमारा कोलाज, लास्ट ईयर तो नहीं कहेंगे, 5 years back जब मैं 2017 में आई थी तब हमने, हम तीनों सिस्टर ने मिलके पापा मम्मी के एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था दिसंबर में। तो चार बड़े बड़े फोटोज हमने लगाए थे साइड में मम्मी पापा के, बिकॉज हमारा फैमिली पूरा कंप्लीट होता है मम्मी पापा से, स्टार्ट भी होता है मम्मी पापा से। ये मेरी शादी की पिक्चर है, मेरी शादी में मेरे दोनों बड़े दीदी जीजू, छोटे दीदी जीजू, मम्मी पापा, मैं। तब शंकु का एंट्री हुआ नहीं था, होने वाला था। इसके अलावा यहाँ मम्मी के सारे नाती पोते सब हर जगह दिखेंगे, ये छोटी दीदी का फैमिली, ये बड़ी दीदी, ये बड़े जीजू दीदी, ये हम सब, ये हम लोग तीनों बहन, ये मम्मी के नाती पोते, इधर भी सब है, यहाँ भी है मम्मी के साथ, यहाँ भी है, तो सारे बच्चे हैं एक्सेप्ट रियांश। तो मैंने सोचा है रियांश का एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देंगे तो ये फैमिली पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। शंकु भी है यहाँ पे, तो या इट्स अ वेरी प्रीटी। डेफिनेटली थैंक्स टू मिकी, मिकी अगर तुम देख रहे हो तो तुमको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि तुमने मुझे बहुत हेल्प किया था ये बनाने के लिए। मैंने सिर्फ उसको फोटो भेजा था ऑनलाइन, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती थी, उसने पूरा ये फ्रेम बना के मुझे घर तक पहुंचाया था मम्मी पापा के एनिवर्सरी के दिन, वो भी छुप के पहुंचाया था, मम्मी पापा के लिए सरप्राइज था। और अभी जो भी आता है मेरे घर में वो ये फोटो को कभी मिस नहीं करता। इसके अलावा मम्मी ने हमारे बचपन की यादें इतने अच्छे से संजो के रखी है, ये मैं शायद स्टैंडर्ड 7 या 8 में पढ़ती थी या फिर स्टैंडर्ड 6 में पढ़ती थी आई गेस, तब का है ये। मैंने दो मोर बनाया था तो ये मम्मी ने फ्रेम करके, मुझे पता भी नहीं था कहाँ है, ये काला पड़ गया है, बट मम्मी पापा ने इसको फ्रेम करके सजा के रखा है। और ये मेरी दीदी ने बनाया, छोटी दीदी ने, ये जरी वर्क किया हुआ है एंड ग्लिटर्स वर्क किया हुआ है, उसने भी शायद ये इंटर में किया था और तब से लेके अभी तक मम्मी ने इसको संभाल के रखा है। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है घर के लिए, वो मैं काउंट में नहीं बता सकती। उसने बेडशीट बनाया है, उसके ऊपर उसने फैब्रिक वर्क किया है, स्टिचिंग वर्क किया है, साड़ी बनाया है, और ये सब सॉफ्ट टॉयज उसी ने बनाया है जो अभी बर्बाद हो चुका है काफी हद तक, बिकॉज सारे बच्चे इसको खेलते हुए बड़े हुए तो इसका एक आई चला गया है। ऐसे बहुत सारे उसने टॉयज बनाए हैं, तो हम सब की जो मेमोरीज है मम्मी पापा ने इतने अच्छे से संजो के रखा है। और ये था हमारा वॉल जिसमें हमारा छोटा छोटा बचपन का बाबी डॉल, छोटे छोटे टॉयज जो भी हम खेलते थे, और तब के जमाने में मम्मी पापा का कलर्ड फोटो। कैन यू इमेजिन गाइज, ये सबसे प्रेशियस है हम सब के लिए, बिकॉज मम्मी पापा का कलर्ड फोटो। आई एम सी मेरे पापा कितने हैंडसम दिखते थे एंड मेरी मम्मी कितनी प्रिटी दिखती थी। तो या उम्र के साथ सब चेंज हो जाता है एंड चेंज इज द ओनली कंस्टेंट इन लाइफ, बट आप देख सकते हो। और ये सारे बुक्स बहुत बड़ी यादें हैं, क्योंकि मेरे पापा के चाचा, खुद के चाचा फ्रीडम फाइटर है थे तो उन्होंने ये सारा बुक्स मेरे पापा को गिफ्ट किया है, क्योंकि वो सब कुछ दे देते थे, दान करते थे, इवन कि अपना पेंशन तक वो रखते नहीं थे। तो पापा उनके वन ऑफ द फेवरेट थे, बिकॉज उन्होंने बहुत क्लोजली उनके साथ अपना लाइफ जिया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने मेरे पापा को दिया है एंड पापा ने इसको बहुत संभाल के रखा है। ऐसी काफी सारी बुक्स है मेरे पापा के पास जो पापा ने इसको रखा है। ये रहा हमारा स्टेयरकेस, बहुत ही फेवरेट है, तब के जमाने में बहुत फैंसी था, बिकॉज पापा ने बहुत सोच समझ के बहुत फैंसी बनाया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली गणपति बप्पा को, और सेम ऐसा ही ऊपर भी किया हुआ है। बाहर से लाइट दिखता है लेकिन अंदर से बाहर कुछ दिखता नहीं है, बाहर से अंदर कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ रात के वक्त वो लाइट दिखता है बाहर से, बहुत ही प्रिटी है, और सनलाइट अंदर आती है इससे, बहुत ही प्रिटी है। यहाँ मैं आपको लेके जाऊंगी, और यहाँ अभी उधर जाके गणपति बप्पा मोरिया कर रहा है, इधर मैं आपको लेके जाऊंगी। उससे पहले मैं नीचे का एक होम टूर दे देती हूँ आपको। ये है हमारा ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम का एंट्रेंस, अभी बहुत ही मेसी हो गया है बिकॉज हम सब अभी निकल रहे हैं, आज जाने की तैयारी है। तो ऑब्वियसली अभी हम आपको उतना सजा के नहीं दिखा सकते हैं, बट क्विकली एक लुक ले लीजिए ऊपर से नीचे तक। और मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है तो आपको हर तरफ भगवान दिखेगा, हर तरफ हम घिरे हुए हैं भगवान से, जो कि बहुत ही प्रेशियस चीज होती है हर जगह। और यहाँ पे हमारे सारे
फैमिली के फोटोज जो भी मम्मी को मिलता है मम्मी यहाँ पे रख देती है, लेटेस्ट एंड ओल्ड, ताकि पता चले कि कब कैसा हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। अभी मैं आपको लेके जाऊंगी हमारे पूजा वाले रूम में, आ जाइए, आप सबका स्वागत है। ये है हमारे मम्मी पापा का पूजा का रूम और आप देख सकते हैं मम्मी हर दिन इसको इतना खूबसूरती से सजाती है। और इसके साथ मैं आपको मेरे दादा दादी नाना नानी का फोटो भी दिखाऊंगी जो हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया हुआ मेमोरीज है। ये पहले मेरे नाना है, ये साइड ये मेरे फ्रीडम फाइटर है एकदम छोटे फ्रेम में जो है ऑन द लेफ्ट साइड, जिनके बारे में बात कर रही थी। उसके बाद मेरे नाना नानी, फिर मेरे दादा दादी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी कोई रहे नहीं हमारे साथ, तो मम्मी पापा के साथ वो पूजा वाले रूम में ही रहते हैं। और ये हमारा पूजा का रूम है जिसको हर दिन हर शाम बहुत ही खूबसूरती से मम्मी पापा सजाते हैं और प्रेयर्स करते हैं। हमारा किचन है बदल, ये रहा हमारा किचन, बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेसियस। अगर मैं मुंबई के बारे में सोचूं तो इतना बड़ा किचन में शायद दो बेडरूम निकल जाए, तो ओपन किचन कह लो या कुछ भी, पापा ने अपने आइडिया से। और इतना बड़ा स्टोरेज है ओपन, बट मम्मी का घर इतना बड़ा है कि स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। और ये रही मेरी प्यारी माँ जिसको मैं हर वक्त मिस करती हूँ, मेरी कंप्लीट हमारी तीनों बहनों की अपब्रिंगिंग से लेके जो भी आप कह लो सब मेरी मम्मी पापा की वजह से है, एंड हमारा दुनिया इनके आसपास ही बसता है। तो चलिए मैं इमोशनल हो रही हूँ, उससे पहले हम कुछ और कर लें। ये रहा मम्मी पापा का बेडरूम, ये अभी अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सजाया हुआ है नहीं बिकॉज हमने बहुत मेसी कर दिया है, बट या मम्मी पापा इसमें रहते हैं। हम सब आते हैं तो हम सब भी इसी में टूटते हैं, हम कोई ऊपर जाने का सोचते नहीं है क्योंकि यहाँ पे अड्डा वाली माहौल बहुत ज्यादा होती है। एंड तब भी पापा ने सोच के दोनों साइड से एंट्रेंस कराया था वॉशरूम का, एक वॉशरूम है लेकिन दोनों साइड से यूज किया जा सकता है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर, मैं आपको ऊपर का होम टूर दूंगी। ये है थाईलैंड से, मेरी दीदी ने भेजा था। ऐसी बहुत कुछ है जो दूसरे जगह से मम्मी पापा लेके आए हैं या फिर हम सब ने गिफ्ट किया है, इतना बड़ा घर है तो पॉसिबल होता है रखना। और ये कॉर्नर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरी दीदी जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब लगाई थी एंड अभी भी ये है। और मैं तब चाहती थी कि दीदी ये आप मेरे घर में दे दो, मेरे रूम में दे दो, बट दीदी ने कभी शेयर नहीं किया था इस चीज को। और वो वाला कॉर्नर जरा दिखा दो, उस कॉर्नर में आप देख लो गाइस, ये मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। शादी के वक्त में बहुत ही भद्दी दिख रही थी बिकॉज ओवर मेकअप कराया गया था। ये मेरी बड़ी दीदी जीजू, ये मेरे छोटे दीदी जीजू, ये मैं शंको, और पीछे मम्मी पापा एंड मैं, बिकॉज मम्मी पापा की सबसे ज्यादा फेवरेट मैं हूँ। दीदी लोग सुन लो, मम्मी पापा की सबसे ज्यादा फेवरेट मैं हूँ। तो ये है वो कॉर्नर जिसके बारे में बात कर रही थी, ये बहुत ही स्पेशल जगह है, हम बैठ के कभी चाय पीते हैं, कभी यहाँ बैठ के भगवान को प्रे करते हैं। ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी मैं दिखाती हूँ, पापा ने इतना फैंसी बैल्कनीज बनाए थे तब के टाइम पे। ये रहा हमारा बैल्कनी, जब भी बारिश होता था, बारिश के मौसम में कह लो या फिर कभी भी अच्छा मौसम होता था, हम सब यहाँ चेयर लगा के बैठ के घंटों बैठे रहते थे और बारिश की मजा लेते थे। इसके अलावा हम चाय एंड पकौड़ी का एंजॉय करते थे एक साथ। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, हमारा गार्डन का व्यू देख लीजिए, पूरा हरियाली चारों तरफ ऊपर से। मैं रूम दिखा दूं, पापा ने हम लोग तीनों बहनों के लिए तीन रूम बनाया था। तो ये मम्मी का म्यूजिक का रूम है, यहाँ पे हारमोनियम तनपुरा सब कुछ है, मम्मी सिंगर है और थी एंड म्यूजिक टीचर भी हुआ करती थी, तो उनका शौक है तो उनके लिए ये रूम दिया गया था। मम्मी यहाँ पे अपना म्यूजिक क्लासेस लेती थी। और आई एम सो सॉरी गाइज, ये सब मेसी चीज, ये सब हमने स्प्रेड किया है, ये रियाज का है, तो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम मेरे रूम में आते हैं। मेरी और बड़ी दीदी का रूम हम एक साथ शेयर करते थे बिकॉज मैं बहुत फट्टू हूँ तो मुझे अकेले रहना नहीं जमता था, मैं बहुत डरती थी, तो मैं और बड़ी दीदी एक रूम शेयर करते थे। काफी बड़ा बेड है और अभी भी जब हम सब आते हैं एक साथ तो हम इसी में आते हैं। तो ये रूम बहुत ही मेमोरीज के साथ है बिकॉज मैं और बड़ी दीदी घंटों बातें करते थे, 2-3 घंटा पार हो जाता था उसके बाद हम सोते थे। और वही चीज जब छोटी दीदी के साथ मैं सोती थी बड़ी दीदी के शादी होने के बाद, तो छोटी दीदी मैं से बात ही नहीं करती थी बिकॉज शी इज वेरी रिजर्व, तो
वो सब चीजें याद आ रही है अभी। बट या इसके साथ भी बालकनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटा क्यूट एंड बहुत ही खूबसूरत सा बालकनी है, आप देख लो। मैं ये वाला रूम मेरी छोटी वाली दी का है, वो यहाँ पे रहती थी, अकेले रहती थी और मैं बड़ी दी रूम शेयर करते थे बिकॉज हम लोग दोनों एक साथ बहुत बातें करते थे। और ये एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम बनाया था पापा ने बिकॉज मेरे फ्रीडम फाइटर जो दादाजी है उनका काफी सारा बुक्स है, उनका बेड है, वो सब उन्होंने इधर रखा था, तो ये स्टोरेज का काम करता था। मारो छत, ये देखिए ये छत, हम यहाँ पे धनबाद में बहुत ज्यादा पावर कट होता है गाइस, तो हम छत पे काफी टाइम स्पेंड करते थे। जैसे पावर कट होती थी हम यहाँ आके लेट जाते थे, कितनी गर्मी होती है। और ये आम के पेड़ बहुत छोटे थे तब, अभी एकदम यहाँ तक आ गए हैं, वरना बहुत नीचे होता था। और यहाँ से सीधा पहाड़ दिखता था जो कि अभी नहीं दिखता है, ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ अदर बिल्डिंग्स एंड ये सब ट्रीज के वजह से। और ये सारे हमारे नेबर्स के घर हैं जिनके साथ टचवुड हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। और बस यही सब। चलिए गाइज, इन सब के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, मेरा होम टूर कंप्लीट हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।